अब हम लोग सीटेट में पेपर टू कक्षा 6 to 8 तक में पढ़ते हैं, जिसमें सेट वन का हल प्रश्न पत्र जो कि 26 जून 2011 को एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भाग वन में क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और दूसरा में है सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, और भाग तीन में है भाषा हिंदी, और भाग फोर में है लैंग्वेज लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र की क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, कौन सा क्वेश्चन क्या क्या कहता है उसके बारे में। सबसे पहले भाग वन में क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र में 30 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें 30 क्वेश्चन रहता है। उसमें जो प्रीवियस ईयर का है उसको हम लोग बनाते हैं ताकि सेम टू सेम क्वेश्चन ही आता है, इसमें ज़्यादा लिरिक नहीं है। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक क्या सहायता करता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में ये नहीं होगा। इसके बाद है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, ये भी नहीं हो सकता सहायता करना उसमें। अब कह रहा शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, और चौथा में क्या है, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी को सामाजिक स्तर पहचानने में। इसका आंसर क्या होगा, शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न शैलियों की प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। मतलब पुरुष बोल रहा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं इसमें, ये सही कथन है, नहीं ऐसा तो नहीं होता कि पुरुष स्त्री से ज्यादा बुद्धिमान होता है या स्त्री पुरुष से ज्यादा बुद्धिमान होता है। इसका क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, लग रहा है यही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, या बुद्धि के भिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है, नहीं बुद्धि के भिन्न भिन्न पक्ष के लिए क्यों सही होगा, या ये सभी सही है, सभी तो नहीं होगा, इसका लग रहा दो होगा, तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन में, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या समझेंगे। जैसे कोई बच्चा इरफान है, वो कह रहा है कि पुर्जों को अलग अलग तोड़ फोड़ के देखता है कि इसमें क्या क्या है, तो उस पर आप हमेशा नज़र रखेंगे, पहला में क्या है, उस पर आप हमेशा नज़र रखेंगे, हमेशा नज़र क्यों रखेंगे, या उसके जिज्ञासी स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, या उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, आप ही बताइए कि इसमें क्या किया जाएगा, या उससे समझाएंगे खिलौना तोड़ना नहीं चाहिए, या फिर इसको इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देना चाहिए, ये तो नहीं होगा कि कभी नहीं खेलना दिया, या उसे समझाएं खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, ये भी नहीं। उसका होगा क्या, उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अब अगला भाग चौथा हम लोग पढ़ते हैं, चौथा में क्या है, चौथा में है क्या, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करते हैं, यह कथन किस ओर संकेत करता है। अब कोई क्रिस्टीना जो अपनी कक्षा को ले जा रहा है कहाँ, कहीं घुमाने के लिए ले जा रहा है, तो उसमें कह रहा है कि क्या घुमाने के लिए रहा, वो विद्यार्थियों से भ्रमण के बारे में चर्चा कर रहा है क्लास में आके, तो क्लास में आके चर्चा कर रहा है, तो उसमें क्या क्या होगा, वो सीखने के लिए आकलन के लिए वो कर रहा है, या आकलन के लिए सीखना कर रहा है, या आकलन का सीखना कर रहा है, या सीखने का आकलन असेसमेंट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। अब कहीं घुमाने के लिए ले जा रहा है तो उसके बारे में पूछ रहा है, तो पहले बच्चे को सिखा रहा है, उसके बाद आकलन सिखा रहा है, उसके बाद आकलन कर रहा है, वही है। अब अगला है क्या, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है, पांच में है क्या, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है,
इसका अर्थ क्या है? शिक्षार्थी, अब कह रहा है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है, ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। नहीं होगा, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। अब सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या क्यों? सब तो अलग अलग है, तो ऐसा क्यों होगा? एक विषम रूपीय कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऐसा होगा कि विकसित नहीं कर सकते? विकसित तो कर ही सकता, असंभव कहाँ है? या कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में से एक समान नहीं होते, ये होगा इसका आंसर। मतलब कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता रुचि में एक समान हो ही नहीं सकता, प्रतिभा सबका अलग अलग होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? विषय वस्तु आधारित प्रश्न, या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या प्रत्येक शिक्षण एवं प्रश्न प्रत्येक प्रश्न? तो इसका आंसर क्या होगा? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जैसे कह रहा सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या है, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न रहेंगे तो ये सृजनात्मक उत्तर हो पाएगा। उसके बाद है अगला, शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? अब शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को क्यों प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? जैसे है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं प्रोत्साहित तो करना चाहिए, लेकिन इसमें कह रहा है क्या समूह में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया, ऐसा नहीं? या अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, या फिर शिक्षक जो जो पूछ सकते हैं उन सही प्रश्नों को उत्तर याद करने में, या कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में, ये सब शिक्षार्थी कर सकता है, ये हो गया। या अधिक से अधिक पाठ सामग्री क्रिया में हिस्सा ले सकता है, या अंतः क्रिया समूह। लेकिन शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं उन सही प्रश्नों को उत्तर याद करने में क्यों किया जाएगा? अब कह रहा क्वेश्चन क्या, शिक्षार्थी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो शिक्षार्थी को शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने में प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको अंतः क्रिया करने के लिए कहना चाहिए, अधिक से अधिक क्रिया में भाग लेने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा उचित उपकरण नहीं है? जैसे है पहला मौखिक प्रश्न, या सत्र परीक्षण, या प्रश्नोत्तरी खेल, या दत्त कार्य। तो आठ का आंसर क्या होगा? आठ का आंसर क्या होगा? सत्र परीक्षण। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो मौखिक प्रश्न तो होना ही चाहिए, प्रश्नोत्तरी खेल भी होना चाहिए, दत्त कार्य भी दिया जाता है, मतलब होमवर्क भी दिया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, लेकिन सत्र परीक्षण क्या है? वो तो घर में आकलन के लिए तो नहीं जाता, वो तो एग्जाम होता है एक तरह से। उसके बाद है, भारतीय समाज की बहुभाषिता विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिता विशेषता को क्या देखा जाना चाहिए? तो इसमें है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में, या विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के लिए, या शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में? नहीं, तो इसमें हो जाएगा क्या, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में भारतीय समाज को बहुभाषिता में देखना चाहिए होगा। उसके बाद है दस नंबर, दस नंबर में क्या है, विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाते हैं उसके निदान के लिए क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में जो सीखने के लिए जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के लिए क्या होना चाहिए? या सघन अभ्यास कार्य, ज्यादा अभ्यास कार्य करेंगे तो ज्यादा सीखेगा, ऐसा तो नहीं है। या सभी पाठ को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ये भी नहीं है कि जो रिक्ति रह जाएगा तो सभी पाठ को दोहराएगा तो ज्यादा सीख जाएगा। या शिक्षार्थी को अभिभावक की उपलब्धि के विषय में बताना, ऐसा क्यों, अभिभावक की उपलब्धि को क्यों बताना? या समुचित उपचारात्मक कार्य, ये होना चाहिए कि समुचित उपचारात्मक कार्य के लिए करना चाहिए। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सा होता है? किशोरावस्था के दौरान, या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान,
या प्रौढ़ावस्था के दौरान भी नहीं होता है, या व्यक्ति के पूरे जीवन में ऐसा तो नहीं है। सबसे अधिक गहन और जटिल जो होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। क्यों अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना किस लिए माना जाता है? इसमें गौण प्रकरण या घटनात्मक द्वारा या प्राथमिक या स्थिर, हमारा क्या होगा? स्थिर होता है अनुवांशिक, जो कि स्थिर होता है, वो चलते रहता है धीरे धीरे आराम से। उसके बाद है 13 में, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो क्या सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के लिए नहीं, ये तो नहीं सीखता बच्चा जन्म से 2 साल के लिए। अमूर्त तरीके से चिंतन, 2 साल में चिंतन कहाँ से करेगा? भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुपयोग, तो ये भी नहीं होगा। 13 तो होगा इंद्रियों का प्रयोग द्वारा। हाँ, तो 2 साल के बच्चा, 0 से 2 साल के बच्चा क्या करेगा? इंद्रियों का ही प्रयोग करेगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समझ समझ के शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, तो इसमें क्या क्या है? तो 14 के क्या होगा? नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध करने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है, समानता और अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को एक एक तथ्यों या प्रक्रियाओं को याद करने के योग बनाना, हाँ तो ये होगा। एकांकी तथ्य और प्रक्रिया को याद करने के लिए होगा, ये नहीं होगा कि परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना चाहिए, नहीं, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्य और प्रक्रिया को याद करने के योग बनाना चाहिए। उसके बाद है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। तो सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार, तो अवलोकनीय व्यवहार किस पर आधारित है? विकासवाद सिद्धांत पर, या व्यवहारवादी सिद्धांत पर, या रचनावादी सिद्धांत पर, या संज्ञानवादी सिद्धांत पर? तो इसका होगा 2, व्यवहारवादी सिद्धांत पर। तो सीखने का वह सिद्धांत जो क्या है? अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। तो सीखने का व्यवहार का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में विषय प्रसिद्ध कौन सा? मनोवैज्ञानिक जेवी वाटसन के अनुसार नियम किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी भीतर और निजी अनुभूतियों को आधार इतना होकर उसके माहौल पर निर्देशित करता है, इसीलिए व्यवहारवादी होना चाहिए। माहौल व्यवहार वो कैसा कर रहा है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि चाहता और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए, ये तो करना चाहिए, लेकिन बोल रहा क्या नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना चाहिए, इसका आंसर ये होगा, ये नहीं करना चाहिए। और उसके सृजनात्मक दृश्य समृद्ध को करने के लिए चुनौती देना चाहिए, चुनौती तो हाँ देना ही चाहिए, या गैर शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर लेना सीखना चाहिए, आनंद लेना सीखना चाहिए, ये सब करना चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए तो क्या था? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना, ये होना चाहिए। अब है, छोटे छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? तो 17 नंबर में क्या है? छोटे शिक्षार्थियों मतलब छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण या पठन कठिनाइयों का हिस्सा नहीं है? तो इसका क्या क्या ऑप्शन है? पठन गति प्रवाह में कठिनाई, शब्द और विचार को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई होना चाहिए। क्या है इसका? जैसे छोटे शिक्षार्थियों में कौन पठन कठिनाई में क्या नहीं होना चाहिए, तो पठन गति और पठन में प्रवाह में कठिनाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 18 नंबर, 18 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो आंतरिक विशेषता जो अंदर से उसके रूप में अभिप्रेरणा जो मिलता है वो बच्चों के लिए सही कौन सा नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, अंदर ये तो अंदर से नहीं है, कार्य तो ऊपर से हो रहा है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है कि ऊर्जा कार्य करते समय उच्च, ये अंदर से ये भी नहीं है,
वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, इवन वे हमेशा सफल होते हैं। हाँ, तो जो अंदर से सुनता है अपने मोटिवेशनल चीज़ सुनता है वो, या अपने अंदर की बात सुनता है वो हमेशा सफल होता है, वही है। उसके बाद है शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करना। शिक्षार्थियों को आत्मनियमन मतलब खुद ही आत्मनियमन की ओर संकेत करना। तो विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, या विद्यार्थियों निकाय द्वारा बनाए गए नियम या विनियम होना, या स्व अनुशासन पर नियंत्रण, या अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। तो 19 के कौन सा होगा? 19 का होगा क्या? 19 का हो जाएगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता शिक्षार्थियों का आत्मनियमन का संकेत करता है। उसके बाद है 20 में, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो सीखने कोई भी लर्निंग के लिए कौन सा लक्षण जो कि नहीं माना जाता है, तो इसमें क्या है? सीखना ऐसी चीज़ है जो जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। नहीं, सीखना तो पर्यंत चलते रहता है, तो कुछ अनुभव से क्यों घटित होगा? व्यवहार का अध्ययन सीखना, व्यवहार का अध्ययन सीखना ये लग रहा हो सकता, या अन अधिगम अन लर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा, ये नहीं। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती, नहीं, इसका होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना, तो सीखने में लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, बाकी सब हो सकता। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? 21 में है, तो दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों या विद्यार्थी की भूमिका पर बल देना चाहिए। हाँ, विद्यार्थी के भूमिका पर ही बल देना चाहिए, रचनात्मक कार्य में ही आता है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थियों की प्रभुताशाली भूमिका पर बल देना चाहिए, नहीं, या अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित नहीं। दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना चाहिए, होना चाहिए क्या इसका? उसके बाद है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, 22 में क्या है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्या है, बहुत बुद्धिमान है? नहीं, बहुत बुद्धिमान तो नहीं होगा सृजनात्मक शिक्षार्थी, या परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने का योग है, ये भी नहीं हो सकता है, या पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, ये हो सकता है कि वह चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो सकता है, लेकिन ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण, ये नहीं हो सकता। सृजनात्मक शिक्षार्थी में क्या होना चाहिए? चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। अब है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास किसका है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या संवेगात्मक विकास का? तो अवधारणा विकास मुख्य रूप से किसका है? बौद्धिक विकास का, इसका वन आंसर होगा। अब अगला है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में क्या क्या भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में क्या क्या भिन्न होते हैं? तो इसमें है विकास की दर भिन्न होता है, या विकास क्रम भिन्न होता है, विकास की समान क्षमता होती है, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो ये सब तो समान होता है, लेकिन विकास की दर हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई नाटा होता है, सबका अलग अलग होता है। उसके बाद है 25 में, 25 में हम लोग पढ़ते हैं बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता। यह कथन क्या है? यह कथन है क्या? तो इसमें गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, हो ही सकता है गलत, या सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है तीन में क्या है? तीन में सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित रखता है, ये हाँ ये सही होगा। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, ये नहीं होगा। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, जैसे कह रहा है बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता, तो इसमें क्या है? सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को अंतः संबंधित करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या है 26 में, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का सिद्धांत क्या ना है? अनुक्रमिकता,
ये तो है, समान से विशिष्ट ये भी है, या प्रतिवर्ता लग रहा है, ये नहीं हो सकता, प्रतिवर्ती नहीं हो सकता, निरंतरता, तो मानव विकास में तो निरंतरता होना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 3, प्रतिवर्ती। उसके बाद है 27 में, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा को केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, तो निःशक्त बच्चों में शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, कौन सा शैक्षणिक अवसर, विशेष विद्यालय विद्यालयों का, ये नहीं हो सकता, मुक्त विद्यालय, अलग विद्यालय क्यों देंगे, या ब्लाइंडेड रिलीफ एसोसिएशन के लिए विद्यालय, ये भी नहीं, विशेष बच्चों के लिए नियमित विद्यालय ही देने में फायदा, वही है निःशक्त बच्चों के लिए नियमित विद्यालय। उसके बाद है 28 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है, तो सीखने के विषय में कौन सा सही है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करता है, करने वाला होता है, तो इसमें तो लग रहा है कि यही हो सकता है, या फिर सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं है, ये नहीं होगा, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, जी नहीं, बच्चे द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत कराती है कि किसी तरह का सीखना सीखना नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ही होगा, कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है, तो सीखना उस वातावरण से प्रभावी होता है जिसे संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, यह होगा 28 में। अब 29 में क्या है, मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएट के लिए कौन सा मूल्य उद्देश्य होना चाहिए, तो मूल्यांकन के लिए क्या शिक्षार्थियों को उपलब्धि को मापना, नहीं, मूल्यांकन में उपलब्धि क्यों करेंगे, या यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, यह क्यों निर्णय लेगा पहले ही से कि आगे उसको अगला कक्षा में भेज दो, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए, यह होगा, जैसे बच्चों में क्या है मूल्यांकन में क्या होना चाहिए, तो सीखने में और जिसमें क्या क्या कमी रह गया उसका उपचार निदान करके ना चाहिए, या शिक्षार्थियों को त्रुटि निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना, नहीं ये नहीं होगा, इसका आंसर 3 होगा, सीखने में होने वाले कमियों को निदान और उपचार करना चाहिए। उसके बाद है 30 नंबर, 30 नंबर में क्या है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, वही होगा, तब शिक्षार्थी जो पहले सीख चुका है उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है, तो उसमें नई जानकारी रहे को पूर्व जानकारी से जोड़ने के लिए सीखना चाहिए, वही होना, या पूर्व पाठों को दोहराने का या एक प्रभावी तरीका, नहीं ये नहीं होगा, शिक्षार्थियों को समृद्ध को बढ़ावा या सीखने में सुदृढ़ करना, ये भी नहीं हो सकता, या किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत, ये भी नहीं, तो इसका होगा नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने के लिए समृद्ध बढ़ाना चाहिए,